Myself, Dr. Arvind Bhatt. I am Associate Professor in Mathematics in School of Science in Uttarakhand Open University, Haldwani. My students, today's topic is study of fixed point. Basically, it's a PG topic and it is very compulsory for all the students who are studying in MSc Mathematics. And it's a part of functional analysis. Students, first of all, we will see that what is a fixed point, and after we that, the different spaces. After we see that, different theorems and results. First of all, in this lecture, we explain different generalization of metric space and also fixed points in different spaces. Basically, it's a basic lecture for fixed point theory. The application of fixed point theory is very broader. Application of fixed point theory, first of all, why we are studying fixed point theory? Fixed point theory ko hum pad kyun rahe hain? हमारा मोटिवेशन क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, फिक्स पॉइंट थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से हम जोड़ रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स के दो पार्ट हैं, रियल प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिक्स पॉइंट थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स एंड वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट थ्योरी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट थ्योरी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्टार्टिंग इज व्हाट इज फिक्स पॉइंट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज दैट व्हाट इज ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट है क्या स्टूडेंट्स, आपके मन में आ रहा होगा फिक्स पॉइंट। फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट फिक्स रहता है। तो इसका जो लिटरेचरी मीनिंग है, फिक्स से मतलब ये है कि फिक्स रहना, स्थिर रहना। अब हम इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन लेके आते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, क्योंकि जो हमारे यूई के स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। अब यहां पर मैं अभी सेट की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। एंड टी फ्रॉम एक्स टू एक्स बी ए मैप। मैप मैप मीन्स मैप क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, इसको ये पता होना चाहिए। अब फंक्शन क्या होता है, यहां पर एक फंक्शन है टी फ्रॉम एक्स टू एक्स, टी फ्रॉम एक्स टू एक्स बी ए मैप। अब आपको यहां पर को मैंने यहां पर दो आपको असाइनमेंट दिए हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, ए पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड ए फिक्स पॉइंट ऑफ टी। एक्स नॉट एक्स का फिक्स पॉइंट कहलाएगा इफ टी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब एक्स नॉट की इमेज एक्स नॉट में आ जाए। मतलब अगर हम किसी शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हैं, हमारी इमेज वही आ जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, फिक्स पॉइंट। जैसे किसी बर्गर को डिफरेंट एंगल से अगर हम कट करें तो लेकिन एक पॉइंट उसमें कॉमन रहेगा, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा फिक्स पॉइंट। अब इसके एग्जांपल्स हैं, लेट टी फ्रॉम आर टू आर, वह आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहां पर हमें फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है। बी डिफाइंड एज टी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
पी फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन 0 एंड 1 आर द टू फिक्स पॉइंट ऑफ टी. 0, टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स 0 एंड 1 आर द फिक्स पॉइंट. तो यहां पर फिक्स पॉइंट क्या है? 0 और 1 है, बिकॉज 0 की इमेज 0 हो रही है और 1 की इमेज भी 1 हो रही है. तो फिक्स पॉइंट आप देखिए एक हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है, इज ए वेरी गुड टॉपिक एंड इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट्स एप्लीकेशन आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग. लेट अल्फा बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर एंड टी अल्फा फ्रॉम आर टू आर वी डिफाइंड एज टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, देन टी अल्फा हैज नो फिक्स पॉइंट इन आर बिकॉज टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा. इट मीन्स टी वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, टी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. इट मीन्स देयर इज नो फिक्स पॉइंट, यहां पर कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, देयर इज नो फिक्स पॉइंट इन आर. लेट टी फ्रॉम आर टू टू आर टू, आर टू मीन्स हम मैथमेटिकली, अब ये आर टू क्या होता है ये आपके लिए फिर से असाइनमेंट है. आर टू, आर इज वन डायमेंशन, आर टू इज टू डायमेंशनल प्लेन एंड आर एन इज एन डायमेंशनल प्लेन. आर टू के एलिमेंट किस टाइप के होंगे ये आप लोग सीखिए. बी डिफाइंड एज टी एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स टी हैज इनफाइनेटली मैनी फिक्स पॉइंट्स. इनफाइनेटली मैनी फिक्स पॉइंट्स मीन्स All points of the x-axis, all points of the x-axis are the fixed point. Now, history of fixed point theory. In 1910, L. Brouwer studied the existence of fixed points on a bounded N ball. What was the theorem? Let f from S to S be a continuous function. Now what is a continuous function? It is assignment for you. From a non-empty compact, what is a compact set? Convex set, it is also assignment. S subset of R into itself, then there exists a x belongs to S such that x is equal to fx. X is a fixed point of function f. Now, what is a contraction? Contraction. Matlab contraction means in the Hindi meaning of Hindi grammar meaning of contraction means sikundna. Let X is equal to XD be a metric space and a mapping T from X to X is called non-expansive if d from d of tx comma ty less than equal to alpha times less than equal to d of xy for all xy belongs to x, and if contractive, if d of tx ty is less than strictly less than d of xy for all xy belongs to x, x is not equal to y, and contraction, the contraction of x, if there exists a real number alpha with alpha from 0 to 1, 0 is also including, such that d of tx ty less than equal to alpha times d of xy for all xy belongs to x, x is not equal to y. Now, in this example, next example is XD is incomplete metric space. The mapping T is contraction. Let X equal to open interval 0 to 1 by 2 including, equipped with the usual metric. This is clearly an incomplete metric space. The mapping T from X to X be defined as Tx equal to x square is a contraction.
बट टी हैज नो फिक्स पॉइंट, टी हैज नो फिक्स पॉइंट, टी इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन, एक्स डी इज ए इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस, एक्स डी इज ए इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस. सो आफ्टर दिस प्रॉब्लम देयर इज अ थ्योरी कम्स, बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम. लेट एक्स डी, कंसिडर एक्स डी मेट्रिक स्पेस, सपोज दैट एक्स इज कंप्लीट एंड लेट एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑन एक्स, देन एफ हैज प्रिसाइजली वन फिक्स पॉइंट. प्रिसाइजली वन फिक्स पॉइंट मीनिंग यूनिक फिक्स पॉइंट, यूनिक फिक्स पॉइंट. लेट नेक्स्ट थ्योरम इज स्काउडर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम. लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी क्लोज कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ ए नॉर्म्ड स्पेस एस एक्स. एंड असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, वट इज ए क्लोज सेट, वट इज ए कॉन्वेक्स सेट एंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्ड स्पेस. देन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, आई हैव टोल्ड प्रीवियसली दैट द कंटिन्यूअस फंक्शन इज असाइनमेंट फॉर यू फ्रॉम एस इंटू ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एस हैज ए फिक्स पॉइंट. नेक्स्ट इज मार्कोव काकुटानी थ्योरम. लेट सी बी ए नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ ए नॉर्म्ड लिनियर स्पेस एक्स एंड टी इज ए फैमिली ऑफ ए एफाइन कंटिन्यूअस मैप्स. इट इज ए मोर जनरल टर्म्स कंटिन्यूअस मैप्स इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूटी एंड इट इज मोर जनरल एफाइन कंटिन्यूअस मैप्स फ्रॉम सी टू सी. सी इज ए नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट कॉन्वेक्स सबसेट सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ. फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू टी देन द फैमिली टी हैज ए कॉमन फिक्स पॉइंट इन सी. नेक्स्ट इज ब्राउडर फिक्स पॉइंट थ्योरम्स. लेट एक्स बी ए यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स बनाक स्पेस. एंड फॉर स्टूडेंट्स देयर इज ऑल्सो ए असाइनमेंट यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स बनाक स्पेस एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी क्लोज बाउंडेड एंड कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ ए एक्स. आई हैव टोल्ड प्रीवियसली दैट यू ऑल्सो नो दैट नोज अबाउट क्लोज सेट, बाउंडेड सेट एंड कॉन्वेक्स सेट. If it is a family of non-expansive maps from S to S, such that FZ is equal to GF for all FZ belongs to T, then T has a common fixed point in S. Now, definition of metric space. It is a very interesting definition, very important definition in function analysis. In fixed point theory or any other theory, metric space, X be a non-empty set, a metric on a set, X is a real valued function D from X cross X to R, such that DXY is greater than equal to 0, 0 for all XY belongs to X. D stands for distance. It means the distance between two points, दो points की distance हमेशा क्या होगी. आपके मन में एक आपके एक question raise on your minds that what is a distance, what is a distance between two points. उन्होंने metric space की definition मत दिया, dxy always greater than equal to 0, या तो 0 होगी या 0 से greater than होगी. For all xy belongs to x. Next definition is, if dxy equal to 0, if and only if x equal to y. Third definition, distance from two point, d of xy is equal to d of yx. Next is triangle inequality, dxy less than equal to d of xz plus d of zy. It means the sum of the in any triangle, the sum of the two edges
सम ऑफ द टू एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू द बिगेस्ट एज. इट मीन्स डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक स्पेस. सिमेट्रिक स्पेस इज ए जनरलाइजेशन ऑफ ए मेट्रिक स्पेस. लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड अ सिमेट्रिक ऑन ए सेट एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर सच दैट डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स. सेकेंड डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली x equal to y. Third is dxy equal to dyx. The condition of triangle inequality is removed. इसको हटा दिया गया है. अब तो ये general case है. Every metric space is a symmetric space, but it is not necessary that every symmetric space is a metric space. The example is let x equal to close interval 0, 1 and dxy equal to x minus y whole square. Here x comma d is a symmetric space, but xd is not a metric space. In this example, xd is not a metric space because triangle inequality not holds. Next is definition of distribution function. A real valued function f on the set of real numbers is called a distribution function if it is non-decreasing, left continuous with infimum of ft is equal to 0, supremum of ft is equal to 1, and the Heaviside function is as t is equal to 0, if t is less than equal to 0, and equal to 1 if t is greater than 0. And a distance distribution function f from minus infinity to plus infinity to 0 to 1 is a distribution function with support contained in 0 to infinity. The family of all distance distribution function will be denoted by delta plus. We denote d plus is equal to f such that f belongs to delta plus limit delta tending to infinity fx equal to 1. Next definition is probabilistic metric space. Now metric space is connected to probabilistic metric space. It means the probability terms is also comes. The sense of squeezer and scalar is an ordered pair xf where x is a non-empty set and f from x cross x to delta plus if and only if the following conditions are satisfied: fxy equal to f x comma y for every x y belongs to x cross x. First, for every x comma y belongs to x cross x, fxy 0 is equal to 0. Second, for every x y belongs to x cross x, fxy equal to fyx. Third, fxy equal to 1 for every t is greater than 0 if and only if x equal to y. Fourth, for every xyz belongs to x cross x cross x and for every t1 t2 greater than 0. And the last is fxy t1 equal to 1 fyz t2 equal to 1 implies that fxz t1 plus t2 is equal to 1. Here fxy t is equal to ht minus dxy includes a probabilistic metric space. Next is t norm. T norm is a function del from 0 to 1 cross 0 to 1 to 0 to 1 satisfying the following condition: t a comma 1 equal to a, t 0 0 equal to 0, t a b is equal to b a, t of c d is greater than equal to t of a b, for c is greater than equal to a, d is greater than equal to b. Last is t
फ्रॉम टी ए बी सी इज इक्वल टू टी ए कॉमा टी बी सी फॉर ऑल ए बी सी इन 0 1. नेक्स्ट इज मेजर प्रोबेबिलिस्टिक स्पेस. एक्स एफ टी इज एन ऑर्डर ट्रायड वेयर टी इज ए टी नॉर्म एंड एक्स एफ इज ए प्रोबेबिलिस्टिक मैट्रिक स्पेस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन एफ एक्स जेड टी वन प्लस टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी ऑफ एफ एक्स वाई टी वन कॉमा एफ वाई जेड टी टू फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन एक्स एंड टी वन टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Now, fixed point theory connect with fuzzy theory. Fuzzy set is XP any set. A fuzzy set A in X is a function with domain X and values in 0 to 1. Next is fuzzy metric space. The three tuple X M star is called a fuzzy metric space. If X is an arbitrary set, star is a continuous t-norm and M is a fuzzy set in X square cross 0 to infinity satisfying the following conditions for all X, Y, Z belongs to X and T, S greater than 0. M of X, Y, 0 is greater than 0. M, X, Y, T is equal to 1 for all T is greater than 0. If and only if X equal to Y, m x comma y comma t is equal to m y comma x comma t is not equal to 0 for t is not equal to 0. M x y t star m y z s less than equal to m x z comma t plus s. Last is m x y comma dot from 0 to infinity to 0, 1 is continuous. Here we have connected the fixed point theory for probabilistic theory, probabilistic metric space theory and the fuzzy fixed point theory. Those the students who are studying in PG classes, it is beneficial for those students and those students who can work research in the field of fixed point theory, it is also beneficial for those students. And it's a basic topic to a, I have started the definition of fixed point theory and starting of fixed point theory and ending of fixed point theory and the various spaces. Now, I am thankful to the students of Uttarakhand Open University. नमस्कार.